हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा चैप्टर नंबर 7, आपकी फोर्थ क्लास का इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 7। इसके पहले हम पढ़ा चुके हैं आपको कई सारे चैप्टर्स, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो जल्दी से आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, इसमें हम और आने वाली वीडियोस आपको हम जल्दी से डाल सकें। देखिए बेटा, चैप्टर नाम है वर्ब ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, मतलब कि ऐसी वर्ब जो ट्रांजिटिव होती हैं और दूसरी कौन सी इंट्रांजिटिव होती हैं। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि ट्रांजिटिव कौन कौन सी और इंट्रांजिटिव कौन सी होती हैं। देखो, आप पहले ये सेंटेंस पढ़िए। द बर्ड इज फ्लाइंग, मम्मी कुक्स फूड, मोहित लव्स द हिज डॉग, द गर्ल डांसेस। तो आपने पहले सेंटेंस में पढ़ा जो फ्लाइंग है, जो बताती है किसके बारे में बता रही है, बर्ड के बारे में। कुक्स क्या कह रही है, समथिंग अबाउट मम्मी। लव्स क्या कहती हैं, मोहित के बारे में। डांसेस कह रहा है अबाउट द गर्ल। तो जो बर्ड्स हैं, फ्लाइंग, कुक्स, लव्स, डांस, बिज सब्सक्राइब द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट आर कॉल्ड वर्ब्स। मतलब कि जो सब्जेक्ट के एक्शन को जो डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं कि सब्जेक्ट ने क्या किया, उस चीज़ को हम वर्ब कहते हैं, उस चीज़ को हम वर्ब कहते हैं। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, इन सेंटेंस को पढ़िए। करण रन्स आर रेस, द गर्ल प्लेड विथ मार्बल्स। जो लड़की है वो मार्बल्स के साथ खेल रही है। द गर्ल लिफ्टेड द डॉल, जो गर्ल है उसने क्या किया, डॉल को उठाया हुआ है। द गर्ल प्लेड विथ मार्बल्स, मतलब कि गर्ल्स क्या है, मार्बल साथ खेली। द गर्ल लिफ्टेड द डॉल, मतलब कि जो लड़की है उसने डॉल उठाई। द बर्ड मेड अ नेस्ट ऑन द ट्री, मतलब कि जो पक्षी है उसने अपना घोंसला बनाया। इन सब सेंटेंस में हमने क्या पढ़ा, रेस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द रन, मतलब जो रेस है, जो रन्स का क्या है, ऑब्जेक्ट है। मार्बल क्या है, बर्ब का जो ऑब्जेक्ट है। डॉल खुद एक ऑब्जेक्ट है, नेस्ट भी एक ऑब्जेक्ट है, किसका, बर्ब का। कौन सी बर्ब का, मेड का नेस्ट है, लिप्टेड का डॉल है। अब बर्ब दैट नीड्स एन सब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, मतलब कि ऐसी बर्ब जिसको अपना मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, उनको हम ट्रांजिटिव बर्ब कहते हैं। समझ में आया बेटा आपको, मतलब कि ऐसी मीनिंग जिसको अपना सेंटेंस, अपना मतलब को बताने के लिए किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है, उसको जरूरत पड़ती है ऑब्जेक्ट की, उनको कहते हैं हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब कुछ सेंटेंस दे, द बॉय आज रन्स फास्ट, द गर्ल सिंग स्वीटली, द बॉयज प्ले वेल, एन एरोप्लेन फ्लू अवे। द अबव सेंटेंस, द बर्ब रन, सिंग्स, प्ले, फ्यूल, डू नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट, मतलब कि ये ऐसे जो बर्ब हैं जिनमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे बर्ब जिनको सेंटेंस की, जिसमें आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, उनको आप कहेंगे इंट्रांजिटिव बर्ब, और जिसमें जरूरत पड़ती है उसको हम कहेंगे ट्रांजिटिव बर्ब। समझ में आ गई आप लोगों को, मतलब कि ऐसी बर्ब सिंपल आप समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कि ऐसी बर्ब जिसमें आपको जरूरत पड़ती है सब्जेक्ट की, उसको बोलेंगे ट्रांजिटिव, और जब नहीं पड़ती है तो इंट्रांजिटिव। क्लियर है बेटा आप लोगों को, आगे पढ़ेंगे। फाइंड आउट वेदर द वर्ब्स यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रांजिटिव और इंटरट्रांजिटिव, मतलब बताना क्या है आपको, नीचे जो वर्ड्स सेंटेंस दिए हैं कौन कौन से में ट्रांजिटिव है, कौन कौन से इंट्रांजिटिव है। पहला पढ़ेंगे, द बॉय वॉज कैचिंग अ ब्यूटीफुल, जो बेटा इसमें क्या है, कैचिंग के साथ बटरफ्लाई भी आ गया है, मतलब कि हमने बटरफ्लाई को कैच कर रहे हैं, तो बॉय है वो कैच कर रहा है बटरफ्लाई को, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, इंटरट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा ये। इसके बाद द ट्रेन वॉज रनिंग फास्ट, दो रनिंग के साथ फास्ट का यूज कर दिया गया है ना। तो आप खुद करेंगे इस चीज को, सेंटेंस को मैं नहीं बताऊंगा, मैं कब बताऊंगा, जब आप मेरे को उसका आंसर शीट बना के भेजेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, इसके बाद आपको मैं पूरा आपको डिस्क्राइब करूंगा आंसर शीट इसकी। अगर अभी कर दिया तो आप लोग चीटिंग कर लेंगे, इसलिए नहीं करना चाहिए। सेकेंड वाले में मेज द नाउन एंड सुटेबल बर्ड्स, मतलब कि नाउन्स दे रखे हैं इनके साथ में आपको, इनके बर्ड्स आपको सुटेबल, जो भी बर्ड सुटेबल करेंगे वो आपको करनी है। ऐसे कि बेटा नाय, म्यू, क्रॉक्स, हम, टॉक्स, रोड्स, मतलब कि बेटा क्या है, जो ये जानवर वगैरह हैं जो ये बोलते हैं, ठीक है, जिन भाषाएं बोलते हैं उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो यहाँ पर दे रखा है। से म्यूज आपको कुछ बता देंगे, हम नहीं बताएंगे, कुछ भी नहीं बताएंगे, आपको सब कुछ करना है कि नाइस मीन्स क्या होता है, म्यूज क्या होता है, क्रॉक्स, हम, स्टॉक्स, टॉक्स तो बेटा इंसान ही करते हैं ना, और कौन करता है। चलो आगे पढ़ेंगे, इसमें क्या करना है बेटा आपको, सर्कल द ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस आर राइट देयर वर्ब्स इन द फॉलोइंग ब्लैंक, मतलब करना क्या है आपको, यहाँ से ऐसे ऑब्जेक्ट्स को आपको चूज करना है जो उनके वर्ब्स साथ लिखी गई हों। तो बेटा ये चैप्टर समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर है। अब हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो बेटा होता क्या है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, देखेंगे ध्यान से। द वर्ब इन द सेंटेंस मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन, मतलब कि जो वर्ब है सेंटेंस में वो एग्री करनी चाहिए सब्जेक्ट के साथ, नंबर या पर्सन के साथ।
द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज सिंगुलर, द वर्ब शुड बी ऑल्सो भी सिंगुलर। मतलब कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। से गर्ल इज हैप्पी, देखो द गर्ल इज हैप्पी, द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज प्लूरल, द वर्ब शुड ऑल्सो भी प्लूरल। मतलब देखो इसमें क्या है कि जो आपका सब्जेक्ट है उसी हिसाब से जो वर्ब है वो भी प्लूरल होने चाहिए। द गर्ल्स आर हैप्पी। इफ द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज इन द सिंगुलर नंबर एंड इट इज इन द फर्स्ट पर्सन, द वर्ब ऑल्सो एग्री विद द सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। मतलब कि क्या है कि जो सब्जेक्ट है सेंटेंस में, जो सब्जेक्ट है इज द सिंगुलर नंबर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है और इट इज इन द फर्स्ट पर्सन, और ये फर्स्ट पर्सन है वर्ब का, तो आल्सो एग्री विद द सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। मतलब नंबर और पर्सन के हिसाब से भी उसका जो वर्ब रहेगी वो उसकी तरह एग्री करना चाहिए। से एग्जांपल है आई डू माय वर्क। इफ द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज इन द थर्ड पर्सन, और जो सब्जेक्ट है सेंटेंस में थर्ड पर्सन। बेटा अगर आपको पता नहीं है कौन सा फर्स्ट पर्सन है, कौन सा सेकंड पर्सन होता है, कौन सा थर्ड पर्सन होता है, तो इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, वो आप जाकर देख सकते हैं। तो द वर्ब ऑल्सो एग्रीज विद द सब्जेक्ट इन द नंबर एंड पर्सन, और जो वर्ब हैं वो भी एग्री करनी चाहिए द नंबर ऑफ पर्सन के हिसाब से। से ही डज हिज वर्क, थस बी सी दैट अ वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन द नंबर एंड पर्सन। मतलब कि बेटा होता क्या है कि जो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन है, इन्हीं के हिसाब से इनका जो ऑब्जेक्ट है, जो जो उनकी वर्ब है, वो आपकी सब्जेक्ट के अनुसार आपको फिक्स होनी चाहिए। उसके जो एग्रीमेंट्स वगैरह हैं उस पर उसको क्लियर रहने चाहिए। इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो एग्रीमेंट है वो कैसा रहना चाहिए। सी द फॉलोइंग रूल्स केयरफुली, आप इन रूल्स को ध्यान से पढ़िए। सिंगुलर वर्ब्स वर्ब्स आर फॉर्म्ड बाई एडिंग एस और ईएस एंड आईएस टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इन प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में एस और ईएस का यूज करते हैं और आई एस का यूज करते हैं बेस फॉर्म के लिए, वर्ब के लिए यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स लाइक इज आर एम आर वॉज वर टेल अस इफ द वर्ब इज सिंगुलर और प्लूरल। अगर सिंगुलर है या प्लूरल वर्ब आपकी है तो आपको हेल्प कौन करेगा, वर्ब कौन सी वर्ब हेल्प करेंगी, इज एम आर और बाज और बर यूज करेंगे, इसलिए इनको हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है। यू इज यूज फॉर अ प्लूरल वर्ब, मतलब कि यूज जो यू है वो प्लूरल वर्ब के लिए यूज होता है, और बी भी आपका प्लूरल वर्ब के लिए होता है। ही सी इट नेम, ये किसके सिंगुलर के लिए होते हैं। दे किसके लिए होता है, प्लूरल के लिए होता है। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी, उसी हिसाब से आपको करना है। बताना बेटा एज एम आर यहाँ पर कहाँ यूज होगा, तो बेयर, बेयर के साथ में क्या आएगा, एज आएगा या आर आएगा या एम आएगा, तो आपको पता होगा ऑब्वियसली आर आएगा। देयर इज अ कैफ कैफे बाय द रोड साइड, तो आपने देखा बेटा यहाँ पे जो कैफे है, आप बताइए कैफे सिंगुलर है प्लूरल है, तो कैफे तो सिंगुलर है, तो बेटा आप यहाँ पर प्लूरल नहीं रख सकते, यहाँ पे आपको सिंगुलर ही रखनी पड़ेगी। यही तो पढ़ा हमने अभी, यहाँ पर कहा गया है अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर ही होगी, अगर आपको वो फर्स्ट पर्सन में है उसी हिसाब से आपकी जो वर्ब है वो रखी जाएगी। तो बेटा यहाँ वर्ब का मतलब ये नहीं है कि खाना पीना रोना खिला खिला ही है, वर्ब बेटा इज एम आर ही सी इट, जो आपका एज एम आर हुआ, वाज वर हुआ, हैज हैव हुआ, हैड बीन हुआ, विल सेल, इन सबको भी वर्ब ही कहते हैं, क्योंकि इनका नाम क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी। तो हम पढ़ने वाले हैं अब नेक्स्ट चैप्टर, वो है द टेंस। टेंस क्या होते हैं वो पढ़ने वाले हैं। द सिंपल टेंस, सिंपल टेंस पढ़ेंगे पहले आपको, और कंटिन्यूस टेंस और परफेक्ट टेंस ये हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, और आगे की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। और आपको द सिंपल टेंस, सिंपल टेंस क्या है, द रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, ये सेंटेंस पढ़िए आप। सी गोस फॉर अ वॉक डेली, मतलब कि वो डेली एक वॉक पे जाती है। सी वेंट फॉर अ वॉक यस्टरडे, मतलब कि वो कल वॉक पर गई थी। सी विल गो फॉर अ वॉक टुमारो, मतलब कि वो कल वो कभी जाएगी, है ना, कल जाएगी, वो वॉक पर जाएगी। आपने पहले सेंटेंस में गोस पढ़ा, ठीक है, ये बताता है कि प्रेजेंट टाइम है। आपने सेकेंड सेंटेंस में पढ़ा बेंट, और बेंट बताता है कि ये बात निकल चुकी है। और आपने पढ़ा बिलगो, बिलगो बताता है फ्यूचर के बारे में। तो आप समझ गए होंगे कि सिंपल टेंस क्या होता है, मतलब कि आपको सिंपल टेंस में बताएगा आपको कि वर्ब से आप समझ में जाएंगे, आ जाएगा आपको कि कौन सा आपका प्रेजेंट में है, कौन सा पास्ट में है, कौन सा फ्यूचर में है। द कंटिन्यूस टेंस, द रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, तो ये पढ़े, आई एम स्किपिंग, आई वॉज स्किपिंग, आई शैल बी स्किपिंग, मतलब कि आप यहाँ बता रहे हैं जो एम्स स्किपिंग है, वाज स्किपिंग है, सेल भी स्किपिंग है, ये शो कर रहे हैं आपको कि आप कौन से टेंस में हैं, प्रेजेंट में या पास्ट में, कंटिन्यूअस में, सॉरी फ्यूचर में।
तो बेटा क्या होता है, कंटिन्यूअस मतलब कि जो कोई काम पर लगातार कर रहे होते हैं। सर आई एम स्किपिंग मतलब मैं अभी स्किपिंग कर रहा हूँ, ठीक है, आई वॉज स्किपिंग मैं पहले कर रहा था, मैं करूँगा, ठीक है, मतलब आप लगातार उस काम में लगे रहेंगे उसको आप कंटिन्यूअस भी कहते हैं। समझ में आ गया था कंटिन्यूअस टेंस। द परफेक्ट टेंस देखेंगे ध्यान से, रीड द परफेक्ट टेंस, आई हैव डन माई होमवर्क, आई हैड डन माई होमवर्क।